अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में 28 THQ में सेकंड मेरिट लिस्ट की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। रिक्वायर्ड सीट कितनी है, मेरिट कितना रहेगा, दूसरी मेरिट लिस्ट में कितने तक मेरिट जा सकता है, इन तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रहें हर वीडियो से बाखबर। अगर देखा जाए तो 28 THQ में 5 अगस्त लास्ट डेट थी डॉक्यूमेंट जमा करवाने की और कॉलेज में ज्वाइनिंग देनी थी, जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट अभी जमा नहीं करवाए। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर हम 5 अगस्त के बाद अगर ज्वाइनिंग नहीं देते तो फिर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 5 अगस्त फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो कैंडिडेट 5 अगस्त से पहले अपने मुतलका कार्य में ज्वाइनिंग नहीं कर पाए उनका एडमिशन नहीं होगा और इन तमाम कैंडिडेट का एडमिशन कैंसिल हो गया है, अब वो एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इनके साथ में अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो ओवरऑल क्लियर कर दूँ कि यह वो नंबर ऑफ सीट हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट लगने के बाद स्टूडेंटों ने ज्वाइनिंग नहीं दी और इसमें है बिहाड़ी, खानेवाल, बहावलपुर और इसी तरह बाकी 28 THQ के कॉलेजेस में और इसके कहीं कहीं किसी कॉलेज में 3 सीटें भी अभी अवेलेबल हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद, हाँ मौजूद हैं वहाँ पे। और जो अगर टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो 28 THQ में 18 से 20 सीट ऐसी हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद स्टूडेंटों ने ज्वाइनिंग नहीं दी और वो फ्री हैं, जिनमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगने के बाद स्टूडेंटों ने ज्वाइनिंग नहीं दी। अब बात करते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट में कितने नंबर वाले कैंडिडेट का नाम शामिल होगा। पहले तो ये कन्फर्म है कि सेकंड मेरिट लिस्ट 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त को डिस्प्ले होगी और इसकी रीज़न भी यही है कि मुहर्रम और हराम की वजह से छुट्टियां भी हैं जिसकी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही। हो सकता है कि अपडेट जल्दी आ जाए, इससे पहले भी आ जाए, तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरिट की बात की जाए तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि 1000 प्लस ही मेरिट रुकेगा, मतलब अगर कम से कम ज़्यादा या ज़्यादा से ज़्यादा लो हुआ तो मेरिट 1015 तक आ सकता है, इससे कम होने के चांसेस नज़र नहीं आते। बाकी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते क्योंकि एक आइडियल मैंने आपको बता दिया है, तो इंशाल्लाह जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होगी तो आपको वीडियो बना देंगे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिससे आप डायरेक्ट सेकंड मेरिट लिस्ट को चेक कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।